ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस वन, क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ द टॉपिक डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर थ्री में वो लोग ने दिया है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x² प्लस 8x माइनस 7 द होल रेज टू 5। तो पहले मैं क्या करेगा बताए, मैं ना ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन चेंज करेगा। अभी वो जो क्यूब रूट है उस क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं अंदर का टर्म एज इट इज, ठीक है, रेज टू 5। जो क्यूब रूट है दैट कैन बी रिटन एज रेज टू 1/3, एंड देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस ये वाला पावर और ये वाला पावर मल्टीप्लाई होगा। सो व्हेन यू डू दैट इट विल बी y इक्वल टू 3x² प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 5/3। अच्छा, नाउ वी नो दैट अगर x रेज टू 5/3 होता तो मैं इसको x रेज टू n वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला से डेरिवेट कर लेता। बट सर क्लियरली अपने को दिखता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जिधर x है वो लोग ने x के जगह पे कुछ और दिया हुआ है, तो हम उसको f ऑफ x की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है उसको मैं ट्रीट करेगा एज f ऑफ x रेज टू 5/3, है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ओरिजिनल पावर नीचे, मैंने आपको नया पावर फाइंड आउट करने का ट्रिक बताया था 5-3 विच इज 2/3। बेसिकली इट इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, 5/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/3 आता है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, करेक्ट। ओके, सो नाउ यूजिंग दैट लॉजिक when I differentiate with respect to x, dy by dx will be 5/3, 3x² plus 8x minus 7 raised to 2/3 into derivative of f of x, or kaun hai f of x, 3x² plus 8x माइनस 7, सो दिस इज इक्वल टू 5/3, 3x² प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 2/3 इंटू। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे 3 को कुछ नहीं होगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 8 को कुछ नहीं होगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 7 अकेला है एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, एंड देन यू कैन गो फॉर 3 इंटू 2x एंड 8 इंटू 1, आप खुद से मैनेज कर सकते हो, दैट विल गिव यू योर फाइनल आंसर।